अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी आलू बंद गोभी की रेसिपी। उसके लिए मैं यहाँ पे दो बंद गोभी के बड़े साइज़ के फूल यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 6 अदद हरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 1 बड़े साइज़ की प्याज, 2 बड़े साइज़ के आलू और 1 कप ऑफ कुकिंग ऑयल। सबसे पहले मैं प्रेशर में कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम फ्लेम, और कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही टमाटर, हरी मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक, ऐड करने के बाद 1 प्याली में इसमें पानी ऐड करूंगी मसाले को गलाने के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करके रख दूंगी मैं मीडियम फ्लेम पे मसाला गलाने के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था। देखिए मसाला भून के तैयार है। अब मैं इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर के लिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद हम इसका प्रेशर लगा देंगे। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी। प्रॉपरली टाइम मैं आपको बाद में बता दूंगी इसका। पाँच मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगाया था, इसकी सीटी मैंने उतार दी थी, फ्लेम मैंने इसके नीचे बंद कर दी थी। ये देखिए बंद गोभी की सब्ज़ी बन के तैयार है और आलू भी गल चुके हैं। आलू बंद गोभी की रेसिपी बन के तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत जल्द तैयार होने वाली रेसिपी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।